तो साथियों इसी जोश और जुनून के साथ आप लोगों की गड़गड़ाती तालियों के साथ इस कंपनी के इस देश के सबसे ग्रेट मेंटर एकदम जिनकी बातें मैं कहूं तो शाम तक खत्म ना होए, मैं तो एक मैसेज ही काफी है, एक यूट्यूब ही काफी है, एक जूम देख लिया तो काफी है, आज तो हम फिजिकली मिलने के आ रखी यस या नो? आज तो फिजिकली जब मिल रहे हैं तो ऐसा वरदान हमें मिलने वाला है, तो आप सुनना चाहेंगे, जानना चाहेंगे पक्का? तो सुन रहे हो, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज जोरदार तालियों से, गड़गड़ा तालियों से, सीटी बजा के ताली बजा के, हल्ला बोल के, सो नाउ प्लीज वेलकम आवर ग्रेट मेंटर, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर मेंटर, श्री जसप्रीत महागुर जी, श्री जसप्रीत महागुर जी, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। नमस्कार, कैसे आप सभी लोग? आज दोस्तों 16 जनवरी है और हम सब लोगों को आज यहाँ पे एकत्रित होने का मौका मिला है और आप सब लोग अलग अलग जगहों से यहाँ पर चल करके आए हैं और बहुत तगड़ा जोश जुनून एकदम एक्साइटमेंट का लेवल इतना तगड़ा हाई है। ऐसे इतने जुनून में तो और क्या जुनून दें, क्या आपको ट्रेनिंग दें? मेरे को तो ऐसे लग रहा है कि शैलेंद्र जी को डाउट हो रहा हो कि कहीं जसवीर सर का एक्साइटमेंट डाउन हो रहा हो, तो बोले आपको बुलाते मोटिवेट करने के लिए है? तो रियली टीम तो बहुत सारी है, अभी तो पता नहीं इंटरनेट पे दिखती नहीं कितनी है, पर बहुत है पर लेकिन ऐसी टीम जैसी इस हॉल में बैठी है ऐसी कहीं नहीं है। थैंक यू दोस्तों, आज ये मीटिंग आप लोगों ने रखी और इतने बढ़िया जोश जुनून के साथ में इस मीटिंग को आप लोग यहाँ तक लेकर के आए हैं, मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और कोई भी मीटिंग छोटी हो बड़ी हो, बड़े सारे एफर्ट करने पड़ते हैं मीटिंग को करने के लिए, बहुत सारी मेहनत कर लगती है उस मीटिंग को करने के लिए और कहीं ना कहीं वो आपके सभी सीनियर लीडर्स ने, सभी रेड क्लब्स ने इसके लिए पूरा का पूरा योगदान दिया, कॉन्ट्रीब्यूट किया इस मीटिंग के लिए और मीटिंग आज यहाँ पर सफलतापूर्वक हो रही है। और इस मीटिंग को सफल बनाने के लिए जो सबसे बड़ा जो रोल है, जिन्होंने इसके लिए पूरा एकदम दमदारी के साथ में हिम्मत दिखा करके इस मीटिंग को सफलतापूर्वक आज यहाँ रखा है, वो शैलेंद्र सर को क्रेडिट जाता है, जोरदार तालियां होनी चाहिए सर के लिए। आज मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ हमारे 300 से ज्यादा टाइगर आज यहाँ पे बैठे हुए हैं और मुझे 100% भरोसा है कि आज अगर ये लीडर इतनी ठंड में घर से निकल के इस मथुरा के इस हॉल तक आ सकते हैं तो ये सारे के सारे यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर से पहले रुकने वाले नहीं है। यस, बधाई हो सर आपको, डायमंड नहीं 300 यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर आज की मीटिंग से पैदा होने वाले। यस, थैंक यू वेरी मच। साथियों समय कम है, मैं आप लोगों से कुछ बातें करना चाहूंगा अगर आप लोगों की परमिशन है तो। परमिशन है? सबसे पहले आज ऐसे कितने लोग हैं जो मेरे से पहली बार मिल रहे हैं, फर्स्ट टाइम? अच्छा, पहले वाले सोफे को छोड़ के लगभग सारे ही हैं, बहुत बढ़िया। तो एक बात तो फायदे की है, जो लोग हमसे मिलते रहते हैं वो अगले सोफे पे आ जाते हैं, हैं? इस हॉल में सबसे ज्यादा बार मुलाकात अगर मेरे से की है तो शैलेंद्र सर ने की है, और गाड़ी देख लो बाहर कौन सी खड़ी है, तो मिलते जुलते रहा करो आप लोग, ठीक है? तो आपको पता ही है मैं कहाँ मिलता हूँ, कई लोग सोच रहे हैं कि ठीक है आपके बगल में ही घर ले लेते हैं, तो मिलने का ठिकाना है अपना मीटिंग में, ठीक है जी? तो मीटिंग्स में अगर आप लोग आते रहेंगे तो जल्दी आपकी भी कुर्सी खिसक के यहाँ आ जाएगी, आगे आगे आने का मतलब आपकी रिकग्निशन बढ़ेगी, रैंक बढ़ेगी। साथियों मैं थोड़ा सा पहले अपना शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दूंगा क्योंकि आज मेरी सक्सेस स्टोरी सुनाने का दिन नहीं है, मैं आज आप लोगों से वो बातें करने वाला हूं कि जिससे आपकी सक्सेस स्टोरी कैसे क्रिएट होने वाली है। तैयार हैं आप लोग? मैं भी इस बिजनेस में एक दिन 17 साल पहले मैं इस बिजनेस को शुरू किया से 2 सितंबर 2004 को मैं इस बिजनेस के अंदर ज्वाइन हुआ था। 17 साल से मैं अगर इस काम में हूं तो इसका मतलब क्या, कुछ तो मिलता होगा इसमें,
हैं? हेलो, कोई आदमी किसी काम को अगर 17 साल तक कर रहा है, इसका मतलब क्या? कुछ तो है, हैं? हेलो, कुछ नहीं दोस्तों, बहुत कुछ है। क्योंकि मैं इस काम को आज अगर मैं बात करूं, मुझे डायमंड बने हुए भी 11 साल हो गई। 12वां साल चल रहा है मुझे, अप्रैल में 12 साल हो जाएंगी डायमंड बने हुए। काम एक दिन मैंने भी ऐसे ही आप लोगों की तरह किया था, हवाई चप्पलों में आया था मैं पहली मीटिंग में, और ऐसे कर करके धीरे धीरे ऐसी मीटिंग्स में आ आके और आप जैसे दमदार लोगों को देख देख करके, सीख सीख करके, काम करते 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 कंपनी ने टोटल 18 लेवल बनाए हैं। 18 के 18 लेवल पूरे कर चुका हूं। साइकिल से मेरी शुरुआत हुई थी, मैं यहीं मथुरा का ही रहने वाला हूं, यहीं से मैं पढ़ लिख रहा था। बासमी मेरा गांव है, यहां से करीबन 45-50 किलोमीटर दूर। और आगरा में मैं गया था, अवध बैंकट हॉल है संजय प्लेस के अंदर, मैंने वहां जाकर के इस बिजनेस प्लान की जानकारी ली थी। फर्स्ट टाइम मैं गया था, मुझे कुछ जानकारी कुछ ज्यादा थी नहीं। महागुरु जी माधव सर और देवेंद्र शर्मा जी प्लान दिखा रहे थे और उन लोगों ने अपनी डिग्री बताई, बस मैं उसी में फ्लैट हो गया। मैं इतने पढ़े लिखे लोग पागल हो रखे हैं तो हम भी हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक ने बताया MSc BEd, दूसरे ने बताया MCom CA, मैंने सही है फिर तो। हेलो, सही है कि नहीं? दूसरे गवर्नमेंट टीचर जो हम बनने की भी नहीं सोच रहे, वो ऑलरेडी बन चुके हैं। हेलो, और दूसरे ने बताया कि उन्होंने CA कर रखा है, मैं सही है फिर तो काम। और लास्ट में आए फौजी साहब, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहां फौजियों का जलवा रहता है भाई, वो बता ही चुके हैं उमेश जी। हेलो, और वो पूरा एकदम दिखा रहे जलवा पूरा, उधर गाड़ी खड़ी उनकी इंडिका। 2004 में तो मेरे को इंडिका ही फरारी से कम नहीं लग रही थी, मैं सही है यार, समझ रहे? बस दोस्तों, ये एक इंप्रेशन था मेरा स्टार्टिंग का इस बिजनेस को लेके, और मैंने काम की शुरुआत करी। धीरे धीरे ट्रेनिंग्स मीटिंग्स में आता रहा, और एक चीज मुझे जो यहाँ पे क्लिक किया कि मैं एक यंग एज में बिजनेस के अंदर आया था, और मुझे एक चीज समझ में आई, मुझे यंग एज में ही रिटायर होना है। रिटायरमेंट के लिए कई लोगों का ऐसा मानना रहता है कि रिटायरमेंट के लिए उम्र चाहिए, लेकिन रिटायर होने के लिए आदमी को उम्र की नहीं, पैसे की जरूरत होती है, पैसे की। और मैंने कुछ अपने फाइनेंशियल गोल सेट किए कि मैं कब ऐसा समझूंगा कि हाँ जी मेरी जिंदगी सफल हो गई करके। तो मैंने हिसाब किताब लगाया, अगर मैं डायमंड बन जाऊं, 50-60 लाख रुपए की ड्रीम बैठ रहे थे टोटल, तो कार्यक्रम सेट हो जाएगा। और मैंने उस दिन से यही संकल्प लिया कि मुझे डायमंड बनना है, और मैं सौभाग्यशाली रहा कि मैं इस बिजनेस में 23 साल की एज में डायमंड बन गया, सन 2011 3 अप्रैल को। तो जो मेरा रिटायरमेंट का ड्रीम था वो मेरा पूरा हो गया दोस्तों। 25 साल की उम्र से मैं BMW कार में चल रहा हूं, जो मेरा एक कहीं ना कहीं जिंदगी में एक ही ख्वाब था वो पूरा हुआ। आज मैं यंग भी हूं, रिच भी हूं, रिटायर भी हूं। और ये तीनों चीजें, कोई आदमी यंग और रिच हो सकता है, बहुत सारे लोग हैं यंग और रिच भी हैं लेकिन वो रिटायर नहीं है। हेलो, और बहुत सारे लोग हैं रिटायर और रिच भी हैं लेकिन वो यंग नहीं है। मेरे पास तीनों चीजें, मैं यंग भी हूं, रिच भी हूं, और ये सौभाग्य मिला। बाकी अगर मैं बात करूं कि मैं क्या जिंदगी जी रहा हूं, क्या चीजें हैं मेरे पास, तो मैं आपको बता देता हूं, इस दुनिया में जो एक स्टैंडर्ड्स होते हैं, पूरी वर्ल्ड में जो स्टैंडर्ड्स होते हैं सफलता के लिए, बोला जाता है कि अमेरिका की सैलरी सबसे अच्छी मानी जाती है। तो पहले 6 फिगर में थी, अभी 7 फिगर में कर दी, तो मेरे को 7 फिगर में सैलरी आती है, 15 से 20 लाख रुपए महीने में कमाता हूं, सही है। दूसरा बोला जाता है जर्मन की कार बाहर खड़ी है, मेड इन जर्मन BMW वर्ल्ड नंबर वन कार, जापान का पेन और हिंदुस्तानी बीबी, ये 4 चीज सबसे ज्यादा अच्छी मानी जाती है पूरी दुनिया में, जिस आदमी में हो सफल है। और मैं सौभाग्यशाली हूं, मेरे पास चारों हैं। तो इस लास्ट वाली पे सब मुस्कुरा रहे हैं, इसका मतलब बोले एक तो हमारे पास में भी है या हो जाए।
सबसे लॉयल माना जाता है इंडियंस लेडीज को पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो इसलिए ये हमारे लिए प्राउड की बात है कि हम लोग इंडियंस हैं और कहीं ना कहीं तो नंबर आ ही रहा है हमारा, और अच्छी चीज में आ रहा है, लॉयल्टी में आ रहा है। यस, और दोस्तों कहीं ना कहीं बाकी की तीन चीजें ये लेना अपनी मर्दानगी है। हाँ जी, बोला जाता है एक सफल पति कौन, जो अपनी पत्नी के सपने बोलने से पहले पूरा कर दे। सफल पति कौन, जो अपनी पत्नी के बोलने से पहले सपने पूरे कर दे। और सफल पत्नी कौन, ऐसा आदमी ढूंढ ले। सही है, तो कौन कौन लग रहा है कि अभी ऐसे अपन भी सफल पति बन के दिखाएंगे। बहुत बढ़िया, आपको बधाई हो, शानदार मौका मिल गया है। सेफ शॉप के माध्यम से आप सफल पति ही नहीं, पिता भी, पुत्र भी, आप जिस रोल में चाहें अपने आप को सक्सेसफुल साबित कर सकते हैं। मौका मिल गया आज हमारे पास। दोस्तों ये वंडरफुल अपॉर्चुनिटी हम लोगों को मिली है सेफ शॉप कंपनी। आज मैं अगर इस कंपनी की बात करूं तो साल बदल रहा है तो चाल भी बदलनी चाहिए दोस्तों। कैलेंडर बदलने से हालात नहीं बदलते, हालात बदलते हैं खुद को बदलने से। किससे बदलते हैं, इससे पहले भी कई बार नया साल आया, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, वो एक दिन का वो रहता है और अपन लोग मैसेज फॉरवर्ड करते हैं और उस दिन ऐसा लगता है आज से मैं सुधर जाऊंगा, आज से ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन दोस्तों बदलाव जो होता है ना, बदलाव इरादे से आता है। तो आज एक संकल्प लो कि आने वाले 365 दिन का ऐसा जूस निकालूंगा, ऐसा जूस निकालूंगा कि ये साल मेरे लिए ऐतिहासिक साबित होगा। बोलो, क्योंकि परमात्मा की अगर सबसे बड़ी देन अगर हमारे लिए है तो वो ये समय है जो आज का दिन परमात्मा हमें दिखा रहा है। इससे बड़ी कोई चीज हो नहीं सकती। आपको लगता है पैसा, ये वो, गाड़ी घोड़ा, एक रोल्स रॉयल्स की चाबी दे दी जाए, लेकिन अगर आपका टाइम ओवर हो जाए, यमराज जी भैंसा लेके खड़े हैं, तू इस पे बैठ, बोला क्या करोगे रोल्स रॉयल्स का, आप आनंद ले पाओगे क्या? अरे बोल ही नहीं रहे कई लोग, ले पाओगे? एक बड़े से 5-स्टार होटल का आपको ऑनर बना दिया जाए कि साहब अब आपकी इसकी चेयरमैन की कुर्सी पे बैठो, यहां से होटल आपका है, और जैसे ही आप बैठे तभी हार्ट अटैक आ गया, मर गए। आप बताओ होटल किसी काम का है? सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है हमारे लिए, समय जो आज हम जिसको जी रहे, प्रेजेंट। यस या नो? और इतिहास लिखने के लिए अगर आज आप सबसे बड़ी बात अगर कोई इस मीटिंग की लेके जाना चाहते हैं तो मैं एक ही चीज कहूंगा कि आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए वर्तमान की कि अब मेरे को क्या करना है। कई लोगों के पास प्लानिंग नहीं होती, प्लानिंग नहीं होती अगले एक हफ्ते क्या करना है, प्लानिंग नहीं होती अगले एक महीने क्या करना है। आज अगर मैं यहां पर हूं या दुनिया में जितने सफल लोग हैं उनके पास एडवांस प्लानिंग होती है कि अगले 10 साल में क्या करना है, अगले 1 साल में क्या करना है, और अगले महीने में क्या करना है, और अगले 1 घंटे में क्या करना है। हेलो, ये 24 घंटे भगवान एक भिखारी को देता है और ये 24 घंटे अंबानी को देता है। भिखारी सिर्फ रोड के इधर से उधर घूमने में निकाल देता है और अंबानी इतने टाइम में इतिहास बना देता है। आप देखो आप अपने 24 घंटे के साथ क्या करने वाले हो। ये महान कंपनी है दोस्तों जिसकी वजह से आज हमारे घर में चेक्स आ रहे हैं, गाड़ियां आ रही हैं, देश विदेश की यात्राएं हो रही हैं और हम लोगों के सपने साकार हो रहे हैं। यस या नो? ये 5 लोग हैं जिनके पॉजिटिव इंटेंशन की वजह से कितने सारे लोगों का जीवन बदल चुका है और लगातार बदलता चला जा रहा है। आज हम लोग ये भी बात करेंगे कि हमारी कंपनी क्यों हम लोग इसको महान बोल रहे हैं, क्या ऐसी मानता वाली बात क्या है, तो आज अपन लोग ये समझने और जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन थैंकफुल हैं, ग्रेटफुल हैं इसी महान कंपनी के लिए और एक दमदार और महान सिस्टम, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, जिसने हमें एक एजुकेशन देने का काम किया। हम लोगों को इस बिजनेस के अंदर ज्वाइनिंग तो कोई भी करा देता है कंपनी के अंदर, लेकिन उस डेस्टिनी तक पहुंचाने का काम जो करता है वो सिस्टम करता है, वो एजुकेशन देने का जो काम करता है वो सिस्टम करता है। सिस्टम ने हम लोगों को एजुकेशन दे के और आज यहां तक लाके खड़ा किया। तो जो आदतें हमारे अंदर जो चाहिए थी, जो नॉलेज हम लोगों को चाहिए थी, जो रास्ता हम लोगों को चाहिए था, वो सिस्टम के माध्यम से पता चला। जो आज ट्रिपल एस की बात करेंगे, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा डायमंड क्रिएट करने वाला सिस्टम है, सबसे ज्यादा अचीवर क्रिएट करने वाला सिस्टम है। और मुझे इस बात का यकीन है
दुनिया की किसी दूसरी यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ बंदा हो वो धोखा कर सकता है, लेकिन सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का अगर कोई स्टूडेंट होगा वो धोखा नहीं कर सकता। कोई बढ़ते कदम तूफानों से लड़ने का हम में, हमको कोई भी गम के साथ हम आते हैं। सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। और इस सिस्टम के क्रिएटर और हमारे मार्गदर्शक, हमारे मेंटर्स, जिन लोगों को देख के हम लोगों ने इस बिजनेस में आगे बढ़ना शुरू किया, माँ गुरुजी राजीव चतुर्वेदी सर, जबलपुर एमपी से बिलोंग करते हैं। गुरुजी एक गवर्नमेंट जॉब में हुआ करते थे। 18 महीने में माँ गुरुजी ने इस बिजनेस के अंदर डायमंड बन के दिखाया। 18 महीने में हम थैंकफुल हैं माँ गुरुजी ग्रेट संजय जैन सर का, जिन्होंने सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का निर्माण किया और एक ऐसा हाईवे बना दिया है कि बस सिर्फ इस पे आपको अपनी गाड़ी दौड़ाते चली जानी है, आप अपने गंतव्य पे पहुंच जाएंगे। माँ गुरुजी संजय जैन सर के लिए जोरदार तालियां। और दोस्तों, एक ऐसी शख्सियत जो कि मेरी जिंदगी में जब से आए तब से बाहर ही बाहर आ गई, माँ गुरुजी श्री नरसिंह ग्रेवाल सर, एक बच्चे की तरह मुझे इस बिजनेस में पाला। और हमारी टीम जो आज यहां पर बैठी है, इस टीम को यहां तक पहुंचाने में गुरुजी का बहुत बड़ा रोल है। गुरुजी बैकग्राउंड में आर्मी से थे और माँ गुरुजी की सक्सेस स्टोरी सुना सुना करके हम लोग यहां तक आए। यहां जितने आर्मी वाले टाइगर बैठे हैं, कोई लीडर ऐसा होगा नहीं कि जिसने माँ गुरुजी की स्टोरी ना सुन करके प्रेरणा ली हो। बोलो हां कि ना। और इस टीम का विशेष रूप से गुरुजी ने शुरू से डे वन से ख्याल रखा। इस टीम को आगे बढ़ाने में गुरुजी का बहुत बड़ा सहयोग रहा। अगर गुरुजी से पूछा जाए तो सपने में भी अगर आप पूछेंगे तो शैलेन जी की टीम को वो हमेशा नंबर वन पर देखना चाहते हैं और हमेशा माँ गुरु जी का आशीर्वाद और सहयोग हम लोगों को मिलता है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं चाहूंगा माँ गुरु जी ग्रेवाल साहब के लिए जोरदार तालियां। इसी श्रृंखला में ग्रेट माँ गुरु जी श्रीमान श्री माधव सर, जो कि मैंने आपको बताया गवर्नमेंट जॉब में हुआ करते थे, गुरु जी का जब से सहयोग मिला तब से लेकर के आज तक लगातार हमें गाइड कर रहे हैं, पल पल पे हमें समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, बता रहे हैं और आज इस बिजनेस में हिंदुस्तान की नंबर वन टीम बनाने में सबसे बड़ा सहयोग दे रहे हैं हम लोगों को। माँ गुरुजी माधव सर के लिए जोर। माँ गुरुजी श्रीमान श्री विजयपाल सर, गुरुजी की मेरे इमीडिएट अपलाइन है और इन्होंने शुरू से डे वन से तन मन धन हर तरीके से मुझे को सहयोग किया और इस बिजनेस में यहाँ तक लेकर के आए। छोटी छोटी जगहों पर जा जा करके मीटिंग करना, हम लोगों ने शुरुआत में शैलेन सर की शुरुआत जोधपुर से हुई थी, जोधपुर में पहली मीटिंग करने के लिए भी जब बुलाया था तो माँ गुरु जी मेरे संग गए थे वहाँ पर। तो ऐसा कहानी सब जगह की है, जहाँ जहाँ हम लोगों ने बिजनेस की शुरुआत करी उसको सपोर्ट करने के लिए गुरु जी आए और गुरु जी के आशीर्वाद से ये सब कारवां इतना बड़ा हो पाया है और आज तक भी हमारी टीम को लगातार सहयोग कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। हम बहुत ज्यादा ग्रेटफुल और थैंकफुल हैं माँ गुरु जी के। और राजा कितना ही दमदार हो लेकिन उसकी सेना अगर कमजोर है तो वो राजा कुछ नहीं कर सकता। जितनी दमदार मेंटरशिप मिली उससे कहीं ज्यादा दमदार मुझे टीम भी मिली जिसके दम पे आज हम लोग नंबर वन है। मैं चाहूंगा ऐसी दमदार जोरदार टीम के लिए जोरदार ही तालियां होनी चाहिए, दमदार वाली तालियां। एक एक लीडर दोस्तों एक एक लाख लोगों के ऊपर भारी है। जब इन लोगों के साथ चलना शुरू किया था तब मेरे पास ये सब अचीवमेंट नहीं थे, ना इतनी बातें थी, ना इतना सब कुछ था मेरे पास, लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने डे वन से मेरे ऊपर भरोसा किया और इन लोगों के भरोसे की बदौलत और मेहनत की बदौलत मैं ही जानता हूं कहां कहां नहीं रहे ये लोग, लेकिन कभी भी अपने मिशन को भूले नहीं, कभी अपने संकल्प को भूले नहीं, कभी भी इनको ये याद नहीं दिलाना पड़ा कि आपका ड्यूटी क्या है, आपकी जिम्मेदारी क्या है। मेरे कहने से पहले मेरी उम्मीद से भी हजार गुना ज्यादा करके दिया ऐसे दमदार लीडर। और इनकी शुरुआत जो होती है इनके सबके कमांडर शैलेन जी से होती है। मैं चाहूंगा जोरदार खड़े होकर दमदार वाली तालियां होनी चाहिए, जोरदार। बहुत बढ़िया। डे वन से शैलेन जी ने हमारे साथ में मिलकर के काम किया। किसी भी चीज की बात करेंगे हर चीज में डिसीजन लेने में आगे रहे। चाहे वो नौकरी छोड़ने की बात आई तो नौकरी के लिए भी कोई मोमाया नहीं रखी।
बात बड़े बड़े अचीवमेंट और इतिहास लिखने की आई, लोग सोच नहीं सकते कि ये काम इतने दिन में हो सकता है, लेकिन अगर वो टास्क सैलेन जी को दिया तो हो सकता है। चाहे टारगेट जीतने की बात करो, चाहे कैपिंग लेने की बात करो, टीम में टारगेट जिताने की बात करो, टीम में आप कैपिंग दिलाने की बात करो, चाहे आप गाड़ी लेने की बात करो, जो सोच नहीं सकते उससे भी बड़े बड़े धमाके और टीम में भी अचीवमेंट दिलाने की बारी। मतलब ये अपने आप में एक ऐसे पारस पत्थर है कि जिससे कोई टच कर लेगा, पारस से टच होने तो सोना बनता था, लेकिन शैलेन जी को उससे भी ज्यादा दिव्य शक्ति मिली है, जो इनसे टच करेगा वो डायमंड बन जाएगा, डायमंड डायमंड। तो बढ़िया, आप लोगों को मैं बधाई देता हूं। बाकी लोग तरसते हैं सर के दीदार के लिए, लोग तरसते हैं सर के सानिध्य के लिए, और ये टीम जो इस हॉल के अंदर बैठी है इन्होंने रजिस्ट्री करा रखी है। सबसे ज्यादा आशीर्वाद इसी टीम को मिलता है, मैं इसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारे दमदार दो बब्बर शेर यहाँ पे बैठे हैं, जिनका सैंपल ऑलरेडी आप देख चुके हैं, नरेश जी और उमेश जी, दोनों ही ऐसे वीर बहादुर हैं कि जब से बिजनेस में आए हैं अपलाइन का फख्र बना करके बन के दिखाया है, और आगे भी ये कार्यक्रम जारी रहेगा। आज तो सिर्फ ट्रेलर है, लेकिन अभी आने वाले टाइम में देखना, ये सीरीज की सीरीज बैठी है इधर। अभी एक जगवार BMW वाले बैठे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में इसके पीछे की भी सीरीज बिल्कुल तैयार है 2022 में इतिहास बनाने। दोस्तों, हर एक चीज जब अपने आप में दमदार है तो हमारी कंपनी भी बिल्कुल अपने आप को इंप्रूव किया है। जितना इंप्रूव किया है कंपनी की साइड से, हम लोगों को प्रोडक्ट की डिलीवरी की बात करो, चाहे हमारी कस्टमर कोई भी क्वेरी की बात हो, चाहे प्रोडक्ट की क्वालिटी की बात करो, कंपनी ने जड़ से समस्याओं को खत्म किया है। और आज हम लोग इस बात को फख्र से बोल सकते हैं कि आज सेफशॉप कंपनी वर्ल्ड क्लास बन चुकी है, वर्ल्ड क्लास। आज हमारी कंपनी, आज कंपनी का प्रोफाइल, मतलब अगर मैं कहूं तो आप शायद अंदाजा नहीं लगा सकते आज हमारी कंपनी किस मिशन पर काम कर रही है। आपको एक सैंपल दिखा रहा हूं, पहली महिला IPS अधिकारी हैं ये, और फॉर्मर ये राज्यपाल भी हैं, समझ रहे हैं हम। आज सेफशॉप के प्लेटफॉर्म पे मैं कोई ये ऐसा नॉर्मल कुछ बंदे का मैं वो नहीं दिखा रहा कि आपको ये विधायक जी हैं, ये सांसद जी हैं, ये आज वर्ल्ड लीडरशिप में नाम आता है इनका। मैं बिल्कुल टेक ऑफ करने के लिए तैयार है। कंपनी ने एक एक चीज के ऊपर इस तरीके से काम किया दोस्तों कि हम लोगों को शायद जानकारी कम है, कंपनी लेकिन उससे ऊपर जा चुकी है। हेलो, आज हम लोग अगर एक एक चीज को देखें, कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी प्रोडक्ट खरीदना चाहे, कोई भी शॉपिंग करना चाहे, तो वो दो चीज के लिए ज्यादा सोचता है। नंबर एक तो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, कितने लोग सहमत हैं इस बात से। दूसरा नंबर उसकी कीमत सही होनी चाहिए, बोलो हाँ कि ना। सही क्वालिटी और सही कीमत अगर मिल जाए तो इसका मतलब कार्यक्रम सही है, बात सच है। तो कंपनी ने दोनों चीजों के ऊपर काम किया। अगर आज मैं बात करूं प्रोडक्ट क्वालिटी की, तो आज हमारी कंपनी के जो प्रोडक्ट आ रहे हैं, आप फूड प्रोडक्ट्स की बात करें, सबसे हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स जो होते हैं फूड क्वालिटी के, वो US के होते हैं। उससे ऊपर कहीं भी पूरी दुनिया के फूड स्टैंडर्ड्स नहीं होते। और जो कंपनी आज हमारी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है वो US के फूड स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती हैं। श्री श्री तत्वा के प्रोडक्ट आज हमारे पास आ रहे हैं, 157 देशों में जो प्रोडक्ट जा रहे हैं। हेलो, 157 देशों में प्रोडक्ट जा रहे हैं, US UK में जा रहे हैं, वो प्रोडक्ट आज हम लोगों को मिल रहे हैं। आज अगर आप बात करें हमारे किसी भी प्रोडक्ट की बात करें, कंपैरिजन भी अगर हम लोग करते हैं, तो कम से कम हमें पता होना चाहिए कि डालडा और देसी घी में क्या अंतर है। हेलो, मैं आज बात कर रहा हूं सेफशॉप कंपनी का। आप च्यवनप्राश देखिए, च्यवनप्राश का मतलब पता होना चाहिए पहले हम लोगों को कि हम एक्चुअली च्यवनप्राश खा रहे हैं या आंवले का मुरब्बा खा रहे हैं। च्यवनप्राश का मतलब है, च्यवन ऋषि हुए थे, उन्होंने कुछ जड़ी बूटियों को मिलाकर के एक खाने के लिए एक बहुत बढ़िया, एक एनर्जी के लिए एक बहुत अच्छी चीज बनाई, उसका नाम रखा च्यवनप्राश।
बहुत सारे विदेशी कंपनियां, देसी कंपनियां उसको कॉपी करके और पता नहीं क्या क्या चीजें च्यवनप्राश के नाम पर दे रही हैं। लेकिन मेन चीज होती है किसी भी चीज की शुद्धता, उसकी इंग्रेडिएंट्स वैल्यू से पता चलती है। जैसे दूध कितना शुद्ध है ये उसका पता चलता है, फेंट कितनी है उसकी, बोलो हां कि ना। तो च्यवनप्राश खा रहे हैं, एक चम्मच अगर हमने लिया तो उसमें सही में कोई जड़ी बूटी भी है या खाली गुड़ का सीरा खा रहे हैं? हेलो, ये डिपेंड करता है कि नहीं करता? तो आज अगर आप देखेंगे किसान का टोमेटो केचप जो आता है उसकी फ्रूट इंग्रेडिएंट्स वैल्यू जो है 35% है। सेपसोप का जो टोमेटो केचप और मिक्स फ्रूट जैम आता है उसकी 70% फ्रूट इंग्रेडिएंट्स वैल्यू है। लिखित में दे रहे हैं साहब, ऐसे नहीं, डब्बे पे लिखा हुआ है। आप अगर सेपसोप का च्यवनप्राश खाते हैं, एक चम्मच आप चख के देखो पहले कहां होके जा रहा है ना, वो अपनी जगह भी बताता है कि कहां होके निकल के गया पेट में, उपस्थिति को दर्ज करा देता है वो। क्वालिटी देखो, जो घी आ रहा है, घी आ रहा है कंपनी का, मैं आपको कहां तक की बात बता रहा हूं कि जहां से वो दूध को सोर्स किया जा रहा है ना, आप ध्यान से सुनो इस बात को, वो गाय क्या खाती है इस चीज तक का ख्याल रखा जाता है। हेलो, उस स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके, ये देसी वो हरिद्वार मार्ग का नहीं है कि कुछ भी बनाया और दे दिया, अपनी लैब से टेस्ट करके चार चार ऐसे जो आज स्टैंडर्ड्स हैं इंडियंस जो फूड इंडस्ट्री के हाईएस्ट मानक जो बने इंडिया के अंदर, उनको फॉलो कर रही है आज हमारी कंपनी, चाहे वो जीएमपी हो चाहे और बाकी कई हो, सारी चीजों को फॉलो करके और बाकायदा उस पर लिखा है ठप्पा लगा के दे रहे हैं। ऑर्गेनिक अश्वगंधा हो चाहे बिलवा हो, आप कोई भी प्रोडक्ट को देखो, आज हमारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बात करो तो उस तरीके के ब्यूटी प्रोडक्ट्स आज सेप्सो कंपनी दे रही है जो लैक्मे लोरियल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां जिनके रेट भी सुन लोगे तो हैंग हो जाओगे, उनकी मैन्युफैक्चरिंग जो होती है वो क्लेरियन कंपनी करती है। नेटो मार्केटिंग में भी एमवे वेस्टी जैसी कंपनियों के लिए वो प्रोडक्ट बनाती है, उनसे कहीं ज्यादा, मतलब कहूंगा मैं आधी से भी ज्यादा कीमत पे सेपसोप कंपनी उससे बेहतर क्वालिटी के प्रोडक्ट प्रोवाइड करा रही है। पतंजलि 1600 रुपए लीटर में गाय का घी देता है, सेपसोप 750 रुपए लीटर में दे रही है। पतंजलि से सस्ते बादाम है हमारे यहां पे, आप जो प्रोडक्ट की बात करो। मैं नेटो मार्केटिंग कंपनी में रेट कंपैरिजन कर रहा हूं ट्रेडिशनल कंपनी से। बिम से सस्ता डिशवॉशर है, हेलो, सर्फेक्सल से सस्ता हमारे यहां पर वॉशिंग पाउडर है, हेलो, डब से सस्ता हमारा साबुन है, हेलो, टॉयलेट में हम लोग हार्पिक यूज करते हैं, हार्पिक से सस्ता टॉयलेट क्लीनर उससे बेहतर क्वालिटी का, हेलो, लाइजोल फ्लोर क्लीनर जो होता है उससे सस्ता और उससे अच्छा। साहब मैं आप जो बोलो, ताजमहल की चाय से ज्यादा बेस्ट, उस पर लिखा नहीं है केमिकल फ्री, सेपसोप वाली पे लिखा है केमिकल फ्री, लिखित में दे रहे हैं, उससे ज्यादा बेस्ट मोटे दाने सामने रखो, सामने ताजमहल को रखो, सामने सेपसोप वाली को रखो। लिप्टन ग्रीन टी आती है उससे ज्यादा बेहतरीन हमारी टी, पैकिंग देख के आदमी फ्लैट हो जाए, बाकी चीज छोड़ दो। हेलो, और क्या चाहिए, फ्री चाहिए क्या? वो मोदी जी देंगे, हम नहीं देंगे, वोट तुमने उन्हीं को दिए थे। आज न केवल हमारी कंपनी क्वालिटी और रेट का ख्याल रखती है बल्कि उनको कहां से सोर्स कर रही है उस चीज का भी ख्याल रखती है। ऐसे कई हमारे साथ में कंपनी और कहेंगे हम एनजीओस के साथ में हम लोग जुड़े हुए हैं। मधु चोपड़ा वेंचर्स करके एक एनजीओ है जो विधवा महिलाओं और गरीब महिलाओं के लिए काम करता है, जो फैंसी कैंडल्स और दीपक बनाता है। आज अगर आप सेपसोप का प्रोडक्ट बेच रहे हो ना तो उस किसी गरीब बहन के घर का चूल्हा भी जलाने का काम कर रहे हो आप, जिसको आप जानते तक नहीं हो।
आज हम एक चीज पर काम करते हैं, या तो देश की नंबर वन या दुनिया की नंबर वन, ये दो क्वालिटी से नीचे अपन काम ही नहीं करते। जितने हमारे पार्टनर हैं या तो दुनिया में नंबर वन है या फिर इंडिया में नंबर वन है, नंबर वन से नीचे नहीं है। मैं दिखाता हूं आपको। दुनिया का पहला प्रोडक्ट है बोलती हुई भगवत गीता और संपूर्ण हनुमान, इस टाइप से बनता है आपका प्रोडक्ट। धुरंधर है अपने फील्ड के, धुरंधर वो आज आपके लिए सूट बनाती है, शर्ट बनाती है, टाई बनाती है, जैकेट भी देती है। ग्राडो, जीबीटीएल, आदित्य बिरला ग्रुप, सब लोग जानते हैं अपने सेक्टर का धुरंधर ग्रुप है ये। ये आज आपके लिए सूट और ब्लेजर्स ये प्रोवाइड कराता है, जीन्स, सेफ राइडर हेलमेट आपका इस टाइप से बनता है। ये कंपनी की ओन मैन्युफैक्चरिंग है। गीता का 18 अध्याय है, 18 अध्याय मोर प्रोडक्ट मोर सेल, और लगातार लगातार हर सीजन को ध्यान में रख के, शादियों का सीजन चल रहा है तो ज्वेलरी ले आई, लहंगा ले आई, यहां तक कि कंपनी कच्छा भी ले आई है, और तो और है। तो अपना कंपनी का इसका एक ही इंटेंशन है कि हमारा एसोसिएट किसी के घर जाए तो बच्चे से लेकर के बूढ़े तक वहां कुछ ना कुछ दे के आना चाहिए, खाली हाथ नहीं आना चाहिए। समझ आ रहा है? वैल्यू फॉर मनी, क्वालिटी और हर चीज को ख्याल में रख करके कंपनी प्रोडक्ट डिजाइन कर रही है। तो आप बताओ इसमें हम दमदारी के साथ काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? और दोस्तों हमेशा से याद रखिए, मार्केट में आप बेचो ना बेचो, लेकिन लोग तो खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे? अरे लोग खरीदेंगे कि नहीं? लोग तो खरीदेंगे, तो आप बेचोगे तो बढ़िया रहेगा, वो आपसे खरीद लेंगे। कंपनी ने अभी हम लोगों के लिए टारगेट की भी, हम लोगों की बहुत ज्यादा भारी डिमांड थी, तो अब की बार ऑप्शन 4 ऐसा टारगेट जो अब तक पिछले 21 साल में कभी नहीं आया, ऐसा टारगेट दे दिया कंपनी ने। तैयार है इसके लिए? गोवा कौन कौन नहीं गया अभी तक, तो अभी मौका है, तैयारी कर लो, बैग पैक कर लो आप। थाईलैंड, दुबई, अबू धाबी, इंग्लैंड, लंदन, तैयार है? अगर आप ऐसा करते थे हैं तो आपको गोवा का टूर, सिल्वर का लेवल और 50,000 रुपए की इनकम मिलेगी, 50,000 रुपए। तो ये टारगेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये छोटे बच्चों वाला है, आपके लिए तो ये वाला है। थाईलैंड, 58,000 रुपए की इनकम और थाईलैंड का टूर, तैयार हो? दुबई एंड अबू धाबी, यहां नहीं गए तो कहीं नहीं गए, फिर मरने से पहले एक बार दुबई तो घूम लो। हेलो, कंपनी 80,000 रुपए भी दे रही है। हेलो, और दुबई और अबू धाबी, फरारी वर्ल्ड, कौन कौन तैयार है? छोड़ना नहीं इस बार। और सबसे फेवरेट, सबसे तगड़ा, सबसे दमदार जो इसी टीम के लिए खास बना है, लंदन। लंदन, लंदन जो भी लीडर जीतेगा, प्लेटिनम का लेवल, 1,32,000 रुपए की इनकम और लंदन का टूर मिलेगा, लंदन का टूर। यस, कौन कौन तैयार है इस बार लंदन? देखो शैलेन जी ने वादा किया, इन्होंने एफिल टावर पे हमारे साथ कॉफी पी, फरारी चलाई, और मैं यहां जानना चाह रहा हूं कौन कौन वीर बहादुर है लंदन ब्रिज पे कॉफी पिएगा मेरे साथ, लंदन ब्रिज पे कॉफी। आप अभी तुरंत सर की जैसी BMW या जगवार नहीं ले सकते, अभी तुरंत 2,00,000 का चेक नहीं बना सकते, लेकिन जो लोग आपको टॉन्ट मारते हैं, कई ऐसे कालू राम भूरा राम ऐसे रहते हैं जो आपको बोलते रहते होंगे कि हाँ देगी कंपनी, हाँ, तो ऐसे लटूरों को एक फोटो आ जाए अगर आपकी लंदन ब्रिज से, देख तेरा भाई कहाँ है, इसके बाद उन पर कुछ रहेगा क्या?
मैं तो भैया अपने डीपी पे लगा रखी है, फेसबुक पे लगा रखी है, वाकायदा एफिल टावर रेड फरारी, वो कुछ नहीं, बस उसे देखते हैं और सन्न हो जाते हैं, हाँ सही है कार्यक्रम। कोई पूछे तो बस क्या है, मैंने कहा बस भाई तुझे मिस कर रहा हूं, तू भी पेरिस होता तो बहुत मजे आते। क्या बोलते हैं मालूम है, यार कंपनी तो बढ़िया पर लेकिन तूने अच्छे से नहीं समझाई थी। और मैं क्या बोलता हूं, तू रहने दे तेरे बच्चे करेंगे। यस, टारगेट जीत के दिखाना दोस्तों, जो टीम टारगेट जीतती है, यदि आप बड़ा काम करना चाहते हैं तो टारगेट जीतने से बड़ा काम होगा। यदि आप टीम को मोटिवेट रखना चाहते हैं तो टारगेट जीतने से टीम मोटिवेट रहेगी। यदि आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं तो टारगेट जीतने से एक एक ड्रीम पूरा होने वाला है। यदि आप दूसरी टीमों को अपने से अपने आप को दूसरी टीमों से आगे रखना चाहते हैं और अपनी टीम का एक जगह पर फोकस रखना चाहते हैं, सिर्फ एक काम करे टीम, तो टारगेट जिताओ। यदि आप नंबर वन बनना चाहते हैं तो टारगेट जीतने पर फोकस होना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि आपको रिकॉग्निशन और रैंक लगातार बदलती रहे तो टारगेट जीतना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कंपनी की वेबसाइट पर आपका नाम आए तो टारगेट जीतना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि आपका बैलेंसिंग से नेटवर्क बने तो आपको टारगेट जीतना चाहिए। यदि आप चाहते हैं आपका चेक हमेशा बढ़ते क्रम में रहे, पिछले क्वार्टर में जितना आया था उससे अगले क्वार्टर में ज्यादा आना चाहिए, तो आपको टारगेट जीतना चाहिए। यदि आप चाहते हैं आप जल्दी से कैपिंग पे पहुंचे, 2 लाख का चेक बना करके दिखाएं, तो आपको टारगेट जीतना चाहिए। यदि आप चाहते हैं आपका नेटवर्क इंडिया का सबसे फास्ट ग्रोइंग नेटवर्क बने तो आपको टारगेट जीतना चाहिए। यदि आप चाहते हैं आपकी टीम का मोरल हाई रहे, आपकी टीम के बंदे के रेडियस में भी साला अगर कोई दूसरी कंपनी वाला फड़के तो वो जुर्र हो जाए, वो एक ही तरीका है, जब आपके टाइगर का टारगेट होगा ना, साला कोई नजदीक नहीं आ सकता, उसके नजदीक नहीं आ सकता, इतना मोरल हाई रहता है उस बंदे का। यदि आप चाहते हैं कि आप बेस्ट परफॉर्मर बने, स्टार परफॉर्मर बने, तो आपको टारगेट जीतना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि दूसरी टीम की मीटिंग में भी आपका नाम लिया जाए, नंदी साहब की तरह, अपने नरेश जी की तरह, अपने उमेश जी की तरह, तो आप टारगेट जीतो, ऐसा इतिहास बनाओ कि नाम आपका दूसरी टीमों में लिया जाए। तैयार हो? तैयार हो? अब की बार लंदन पार, ये मिशन रहना चाहिए। तैयार है? और टारगेट जीतने के लिए मैं 60 दिन की प्लानिंग दे रहा हूं आपको। कितनी? जो जो जीतने के इच्छुक हैं वो लिख लो। आपको पहले 20 दिन का एक गोल सेट करना है। टारगेट अगर आप जीतना चाहते हो तो शुरू के 20 दिन का एक गोल सेट कर लो। आज से 20 दिन के अंदर अंदर कम से कम 10 सेल लेफ्ट में, 10 राइट में। किस किस वीर बहादुर को लगता है कि ये हो जाएगा वो लिख ले, इतना करूंगा। ये होगा सेल 12,000 से कम की नहीं कोई भी, सीधा कॉम्बो चलना चाहिए, 2 सूट 2 साड़ी टनाटन। अगले 20 दिन ये जो 10-10 लोग आए इनके साथ मिलके सिर्फ 5-5 सेल की प्लानिंग बना लो। कितनी? 5-5 सेल। कोई बड़ी बात है क्या? साला जीजा साड़ू पे बुलसाई, बाकी 2-3 तो उनको देख के आ जाएंगे। रेडी हो? 50-50 सेल आ जाएंगी। अब जो ये 50-50 सेल आई है उसके अगले 20 दिन मिलकर के इन लोगों के साथ 2-2 सेल भी डलवा दिया तो 100-100 सेल टोटल सेल हो जाएंगी, 160 लेफ्ट में और 160 राइट में। आपका टारगेट 90 का था, बस उससे ऊपर पहुंच जाएगा। लंदन डन। कम से कम अगर इसका हिसाब लगाओगे तो ये 5 लाख रुपए की जुगाड़ बता दी है मैंने आपको, और अगले 2 महीने में आने वाले भाई साहब। अब 5 लाख मतलब महीने का 2.5 लाख, तो मेहनत कैसी चाहिए इसके लिए? एटीएम के सिक्योरिटी गार्ड के बराबर, बोले बस लठ लेके बैठ जाओ, बोलो। अरे दमदारी चाहिए इसके लिए,
बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओ डायरेक्टर की सैलरी नहीं होती इतनी। लोग देख रहे हैं अभी बता रहे थे सर 5 साल की विधायकी के लिए 5 साल की प्रधानी के लिए साला धरती आसमान एक करते थे। अरे तुम 3 पीढ़ी के विधायक बनने जा रहे हो भाई, और विधायक नहीं मंत्री की बात करो। विधायक कहां चलते हैं बीएमडब्ल्यू में, स्कॉर्पियो में चलते हैं, वो तो हमारे यहां पे एमरल्ड रूबी चलते हैं। बोलो वो उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे, वो भगवान जाने कहां से चल रहे हैं। हेलो, उनकी मेहनत को देखो। बोलो, जो बच्चे आईआईटी कर रहे हैं वो जा रहे हैं 3.5-3 लाख रुपए महीने का पैकेज, और देखो उनकी पढ़ाई। आपको क्या करना है भाई साहब, है कुछ तेल साबुन शैंपू बेच रहे हैं यार, हद हो गई। कोई तुम्हें बॉर्डर पे गोली खाने के लिए भेज रहे हैं, सियाचिन भेज रहे हैं, क्या है? जाओ बंदे के घर घुसो, उसी की फुटमेट पे पैर रगड़ो, उसी का फुटमेट गंदा करो, अंदर पहुंच जाओ, सोफा पिचकाओ उसका, पानी पियो उसी का, बोले सब गरम लेता हूं मैं, गरम ठीक है, गरम पानी, चाय उसकी, नमकीन बिस्किट उड़ाओ धुआंधार, प्लान दिखाओ मजे से। ज्वाइन कर लिया अंदर, नहीं किया तो कोई बात नहीं भाई साहब, कल फिर आता हूं चाय पीने। टारगेट होना चाहिए 10 चाय पीनी है साला, अलग अलग घर की, इधर इलायची वाली, इधर अदरक वाली, इधर काली मिर्च, इधर लौंग, क्या काम है बताओ, काम है कोई? ये काम होता तो मैं 17 साल से थोड़ी कर रहा होता। काम तो वो था जो गांव में कर रहे थे, ले फावड़ा दो दला दो धूम। मेरे साथ वाले ना 33 में उनके बाल उड़ गए, कहां रहे तेरे बाल, वो गए। हेलो, काम नहीं है। फॉर्मूला डबल दे दिया मैंने, बताओ नरेश जी होगा कि नहीं होगा ये बताओ। तैयार हो? और कुछ रह गया होगा तो और डिटेल में बात कर लेते हैं। कंपनी ने अपने बदलाव कर दिए साहब, कंपनी बेहतरीन प्रोडक्ट ला सकती है, अच्छी क्वालिटी दे सकती है, सही रेट दे सकती है, अच्छा टारगेट दे सकती है, अच्छी डिलीवरी दे सकती है, वो सारे काम कंपनी ने अपने कर दिए। बोलो हाँ कि ना। अपलाइन क्या कर सकते हैं, बढ़िया मीटिंग करवा सकते हैं, बढ़िया डीजे वाले बाबू को बुला सकते हैं, बढ़िया कैमरा वाला ढिंग 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 धूम धड़ा का नाचो कूदो, माला पहना सकते हैं, खूब माला ले लो जी पहनो, और बताओ फोटो खिंचा सकते हैं, खींचे भाई। और कुछ रह गया बोलो, तुम्हें संग चलना है कहीं, इधर उधर बुलाना हो बताना आ जाएंगे। और बताओ अपलाइन क्या कर सकते हैं, सारे काम अपलाइन को करने, थोड़ा बहुत हमें भी करना है, कुछ बदलाव हमें भी करने पड़ेंगे कि नहीं करने पड़ेंगे, बोलो हाँ कि ना। यहां पर एक कैटरपिलर के बारे में बताया, एक कैटरपिलर जब बटरफ्लाई बनती है तो उसको एक कोकिंस को तोड़ना पड़ता है, मथुरा वाली भाषा में बताता हूं, ये गिडार जैसी रहती है, और जब ये तितली बनती है ना तो इसके ऊपर ना ये खोल जैसा चढ़ा रहता है, और जब तक ये इसको तोड़ेगी नहीं ना तो ये जिंदगी भर गिडार बनी रहेगी और ये रेंगती रहेगी। समझ पा रहा है डॉक्टर साहब, तितली है ये उड़ती है, उड़ती है और ये रेंगती, कितना बड़ा परिवर्तन है रेंगने से उड़ने का। हेलो, मतलब सेकंड हैंड स्कूटर से बीएमडब्ल्यू का कार्यक्रम है ये, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन इसमें क्या है, बीच में ये कोकिंस है जो इसके ऊपर चढ़ा हुआ है खोल, ये हमारी सोच का हो सकता है, आलस का हो सकता है, किसी भी चीज का जो ये खोल हमारे ऊपर चढ़ा है ना, ये हमें रेंगने पर मजबूर कर रहा है, और ये खोल चढ़ा था अब तक पीढ़ियों से चढ़ा आ रहा है, किसी ने तोड़ने की सोची नहीं, रहन दो काय चक्कर में पड़े हो। हेलो, ये खोल ग्रेवाल साहब ने तोड़ा, माधव सर ने तोड़ा, विजयपाल सर ने तोड़ा, साला मेरे को मौका मिला मैंने भी तोड़ दिया, शैलेन जी ने तोड़ दिया, उमेश जी ने तोड़ दिया, नरेश जी ने तोड़ दिया, अब किसका नंबर है? मेरा।
अगला नंबर किसका है? आप तोड़ के दिखाओगे? साला जो अब तक नहीं हुआ वो अब करके दिखाना। इसके लिए जो परिवर्तन करना पड़े वो परिवर्तन हम भी अपने अंदर लेंगे। यारों पैनिक जरूर होगा, अरे रहने दो पैनिक, साला जिंदगी भर घुट घुट के मरने से तो अच्छा है एक बार थोड़ा हो जाए दो तीन साल। बोलो हाँ कि ना। मैं ये कह रहा हूं डायमंड बनना को चपरासी का खेल नहीं है। हाँ जी मेहनत है इसमें, लेकिन एक बार कर लो ना, 40 साल और 4 साल में अंतर है कि नहीं बोलो? 40 साल घुट घुट के मरने से अच्छा 4 साल। लोग बोलते सर आपने बहुत काम किया होगा 18 लेवल। हाँ बहुत काम किया, मथुरा की सारी सड़क मैंने तो बनाई है, जितनी बिल्डिंग है इन पर सब पे पल्लेदारी मैं ही कर रहा था। अबे प्लान फॉलोअप किए हैं क्या काम? तो बहुत काम किया होगा बहुत। हाँ वहां जितने ये जेंड के बॉर्डर पर जितने सब खड़े ना उनको पीछे से मैं धक्का लगाता था, मारो गोला। क्या काम किया? काम काम काम। ये टाई फाई लगाई, फुसफुस मारी, ये जेल फेल लगाया, निकल गए। घर से निकलना ये सबसे जरूरी है, और माइंडसेट रखना। ये माइंडसेट, छोटी सोच से बड़ा काम नहीं होता। जिंदगी में अब तक जो करते आए हो अब वही करते रहोगे तो वही मिलेगा जो अब तक मिलता आया है। अगर जिंदगी में वो चाहिए जो अब तक नहीं मिला तो साला वो करना है जो अब तक नहीं किया। यारो चाहे साला कुछ भी हो जाए अभी मैं करके दिखाऊंगा। तैयार है? भगवान सिर्फ तुम्हें आशीर्वाद दे सकते हैं, अपनी लड़ाई तुम्हें लड़नी पड़ेगी। जब साक्षात कृष्ण थे ना तभी गीता सुना रहे थे, धनुष तो इसी ने उठाया अर्जुन ने। बोलो बोले भाई तू 700 सुन ले 750 सुन ले, तू बोले तो 1400 सुना दूं, लेकिन धनुष तुझे उठाना है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? और अगर ये चाहते, इनका प्रिय मित्र था, इससे ज्यादा लंगोटिया यार कोई था नहीं इनका, और ये चाहते तो 2 मिनट में महाभारत खत्म, एक सुदर्शन चलाना था, बोलो महाभारत खत्म। लेकिन क्या उन्होंने किया ऐसा? उधर ही रखा था, पेटी में रखते थे उसको, इधर इधर छुपा के रखा था सुदर्शन, निकाला ही नहीं है। इधर देखो ये सुग्रीव ये पिट रहा है कूट रहा है वो मार रहा है, वो पेड़ के पीछे खड़े, होन दो होन दो होन दो। जब साक्षात थे ईश्वर का एक कथन है, वो संघर्ष में अगर तुम्हें डाल रहा है ना तुम्हें मजबूत बनाने के लिए डाल रहा है, कमजोर बनाने के लिए नहीं। अगर सारा काम भगवान कर देते तुम्हें कौन पूछेगा? अरे गोदी में उठा के डायमंड किसी को नहीं बनाया जाता, अपने पैरों पर चलना होगा, उसकी हिम्मत भगवान दे रहा है, इसलिए तुम इस हॉल के अंदर बैठे हो, इसीलिए इस हॉल के अंदर बैठे हो। यस या नो? उसने हिम्मत दे दी है, अब आगे के लिए टाल तुम्हें ठोकनी है। साला मैं देखता हूं डायमंड कैसे। अरे तैयार हो? और आज आपको भी चाहिए हनुमान, बोले शैलेंद्र सर जैसा मेरे को मिल जाए डाउनलाइन में, आहा मजा आ जाए। सर मिल तो जाएगा, भगवान राम को भी हनुमान ना 14 साल के वनवास के बाद मिले थे। हेलो, ये घर में बैठे बैठे हनुमान नहीं मिलते। मैं मथुरा से निकल के जोधपुर गया था तब मुझे शैलेंद्र जी मिले, ओमवीर जी मिले, विकास यादव मिले, सोमा शंकर मिले। आपको घर से निकलना पड़ेगा, आपको इनसे भी तगड़े तगड़े टाइगर आपका इंतजार कर रहे हैं। उनको रास्ता दिखाओ, एक से एक टैलेंट, अकेला एक जसवीर मैन्युफैक्चरिंग नहीं हुआ, जसवीर से भी तगड़े तगड़े, और वो तुम्हारी टीम में आकर के ज्वाइनिंग लेंगे और बोलेंगे गुरुदेव आपने क्या काम दिया, साला काम का मीटर मैं तान के दिखाता हूं। लेकिन ऐसे बंदों को ढूंढने के लिए आपको घर से निकलना पड़ेगा भाई साहब, घर पे बैठे बैठे नहीं मिलेगा, घर छोड़ना पड़ेगा। तैयार हो? कमिटमेंट होना चाहिए। आप देखो मोदी साहब ने घर छोड़ा पीएम बन गए, योगी जी ने घर छोड़ा सीएम बन गए, भगवान कृष्ण ने घर छोड़ा योगी बन गए, देखो योगीराज, राम ने घर छोड़ा पुरुषोत्तम बन गए। घर छोड़ने में पोटेंशियल है, घर में रह रह करके तो छित्र पड़ती है। काम का ना काज का, अगली लाइन तो सबने सुनी है, मैं सोच रहा था शायद पता नहीं होगी। तो घर छोड़ने के लिए तैयार रहो साला, जब तक
जाने मन का मैसेज नहीं आया ना कब आ रहे हो, तब तक साला जाना नहीं उधर। बोलो रेडी हो? बहुत सारे लोग हैं इस 2 साल के अंदर अपनी नौकरी को गंवा चुके हैं, बहुत सारे लोग हैं जो यूनिवर्सिटी पास आउट कर रहे हैं, डिग्रियां ले लेकर के घर से निकल रहे हैं, आज उनके पास रोजगार नहीं है। और ये पुण्य का काम है दोस्तों, किसी व्यक्ति को रोटी बांटने से भी ज्यादा जरूरी है आप उसको रोजी दे दो। मेरे घर में तस्वीर लगा करके पूजा होती है सेफ शॉप के ग्रेट मेंटर्स की और अपनी कंपनी की। आज साला रोटी अगर आ रही है तो सेफ शॉप की वजह से आ रही है। मैं किसी मंदिर नहीं जाता, मेरे अगर आप साला सीने को फाड़ के देखोगे तो इसमें माँ गुरु जी माधव सर और माँ गुरु जी विजयपाल सर की तस्वीर मिलेगी, क्योंकि आज जसवीर को अगर ब्रांड बनाया तो उन्होंने बनाया। ईश्वर पहले भी थे लेकिन ईश्वर मेरी जिंदगी में तब आकर के असर दिखाना शुरू किया जब माँ गुरु जी लोग आए। हेलो, आप चाहो आपके लिए भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं आप जैसा कोई नेक नियत का पार्टनर मिले, कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो उसको बोले कंधे बात रखे, यार मैं तेरे साथ हूं, चल दोनों भाई मिलके करेंगे। ऐसा बोलने वाले लोग नहीं, अगर वो आप बनोगे ना, मैं बता रहा हूं भाई साहब मेरे साथ तो क्या है, हिंदुस्तान लीवर साला नाम हिंदुस्तान रख करके हैप टोटल विदेशी लिए जा रहा धुआंधार, 88 करोड़ का टर्नओवर इंडिया में, तुम रहने दो मत बेचो, लोग तो खरीदेंगे। आज एक मनरेगा में काम करने वाला बंदा भी शाम को शैंपू से नहाता है, वो सेंसिल्क का हो सकता है, क्लिनिक प्लस का हो सकता है, और अगर सेफ शॉप का दोगे तो वो सेफ शॉप का भी हो सकता है। मेरी कोठी पे काम चला साला डब से नहा रहा है वो डब, मैंने सही है यार कार्यक्रम तेरा तो नहीं बोला भैया ऐसे ना थोड़ा गोरा होने के चांस रहते हैं, देखो आपको पता ही है हम धूप में काम करते हैं, मेंटेन रख भी मेंटेन तुम रहने दो। लोग तो इस दुनिया में हमेशा से और हमेशा के लिए दो लोग हमेशा से थे, एक खरीदने वाला और दूसरा उसको कोई ना कोई कुछ ना कुछ बेचने वाला। बोलो हाँ कि ना, हम नहीं बेचेंगे तो ये बेचेंगे फिर, तुम रहने दो। बोलो ये किसको देख के हंस रहा है बाबा, ये तुम्हें देख के हंस रहा है, ओए बेरोजगार आदमी, ओए पेट्रोल महंगा हो गया तू मर, मैं तो हेलीकॉप्टर चला रहा हूं। 27,000 करोड़ की कंपनी है बाबा की। बाबा का मतलब क्या, जिसके आगे कोई नहीं, जिसके पीछे कोई नहीं, जिसकी जेब में कुछ नहीं, वो बाबा। और ये बाबा 27,000 करोड़, इसको देख के तो हमें फीलिंग आ रही है हम बाबा हैं। महाबाबा। हेलो, बाबा को समझ में आ गया सारा काम योगा से नहीं होगा, योग के साथ उद्योग को भी जोड़ना पड़ेगा, उद्योग को जोड़ दिया। और ये ध्यान रखो तुम परिवार वाले हो, तुम्हारे पीछे बच्चे हैं और उनके सपने हैं, तुम्हें अधिकार था जिंदगी में कुछ ना करने का अधिकार था, बस एक काम ना करो, शादी ना करो, कैसे भी घूमो, भीख मांगो, कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, शादी किया। तुम कितने संतोषी आदमी हो लेकिन बीवी से पूछो, वो जब शादी में जाती है पार्टी में जाती है और अगर तुम्हारी बीवी पड़ोस वाली की साड़ी को नहीं देख रही, उसकी ज्वेलरी को नहीं देख रही, तो समझ लो वो दूसरी महात्मा है, वो बुद्ध से भी ऊपर है। और ऐसा होगा नहीं। अगर तुम्हारे बच्चे किसी भी पार्टी में जाने के बाद दूसरे के बच्चों के कपड़ों को नहीं निहारते तो समझ लो फिर तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वो देख रहे ना तो तुम्हें चैन से बैठने का अधिकार नहीं है, अधिकार नहीं है। चला इतना काम करो, इतना काम करो। लोगों की बातों टोंटबाजी के चक्कर में पड़ जाते हैं, लोगों ने बाबा को नहीं बोला होगा, अरे बाबा होकर के तेल साबुन शैंपू बेच रहे हो, बाबा होके। और तुम सोचो, बाबा नहीं सोच रहा, बाबा बेच रहा कार्यक्रम, धुआंधार जा रही है। बड़े बड़े अमेरिकन और जापानीज की नींद आराम करती लंगोटी वाले बाबा ने, टाई वाले सोच रहे क्या करें,
900 करोड़ रुपए का तो दंत कांति बेच देता है, जितना तुम्हारी कंपनी का टोटल टर्नओवर नहीं है। हेलो, लोग तो ले रहे हैं, आपसे भी ले सकते हैं। बाबा के प्रोडक्ट का तो कहना ही क्या, बाबा ने तो ये तक बेच दिया। सब बिकता है, बेचने वाला चाहिए। हेलो, बाबा का बिक रहा, धुआंधार कार्यक्रम जारी है। तुम्हारी गाय का साला जा रहा नाली में और बाबा की गाय का जा रहा बाल्टी में, बाल्टी में आ रहा है। एक आइटम इसी के लिए, जैसे ही ये करे शुरू तू लेके बाल्टी घूम। बोलो, बाबा का बिक रहा है। एक बंदा पूछा सर नौनी की क्वालिटी बता। यार इससे तो ठीक ही है, जो क्वालिटी वालिटी छोड़। कहने में तो अच्छा है कम से कम। सोचो, तुम नहीं सोचोगे ना तो और क्या क्या बेच देगा, तुमने सोचा नहीं होगा अभी। ये नहीं मानने वाला, ये तुम्हें ही बाबा बना देगा। किस किस को लग रहा अभी मैं भी बेचूंगा? पक्का? तो तुम्हें तो इनसे बढ़िया चीज बेचनी है यार, बताओ। ये नहीं बेच सकते हम? हैं बाबा ये बेच दे रहा है, हम ये नहीं बेच सकते क्या? ज्वेलरी है यार, हा हा, चाहे आर्टिफिशियल ही सही, कम से कम कहने में तो अच्छी है। क्या लेके आए हो? बोला ज्वेलरी। तैयार हो? दमदार चीजें हैं अपनी कंपनी के, दमदार प्रोडक्ट है। और एक बात ध्यान रखना, पैसा बेचने से ही आने वाला है। आज जहां पे भी पैसा बना रहे हो बेचने से बन रहा है। सामान बेच रहे हो, सेवाओं को बेच रहे हो, कुछ ना कुछ बेच रहे हो। नहीं बेचोगे पैसा नहीं मिलेगा। और तुमने कसम खा रखी है मैं कुछ नहीं बेचूंगा, एक दिन घर बेचना पड़ेगा, फिर खेत बेचना पड़ेगा, और ये सब खत्म हो गया तो आत्मसम्मान बेचना पड़ेगा, भीख मांगनी पड़ेगी। बेचना तो कईयों ने फिक्स ठेका कर रखा है, 25,000 में अपने आप को 8 घंटे के लिए बेचता हूं, जाता है रोज बिकता है। क्या है वो? ना जाए तो मिल जाए उसे 25,000, देखते हैं कैसे मिल जाएगा। बोलो, मेरे को समझ में आया तो उस दिन से मैंने तो कार्यक्रम जारी कर दिया। आपका क्या इरादा है? आप बेचने के लिए तैयार हैं? इस काम पर फक्र होना चाहिए, फोकट का नहीं ले रहे हैं। हम बेचेंगे, सामान देंगे, उसके बदले में हम ले रहे हैं। तैयार हैं? आरंभ है प्रचंड। अभी साला इतना बेचना, इतना बेचना, इतना बेचना, इतना बेचना है कि कंपनी का सामान ट्रक में नहीं ट्रेन भर भर के आना चाहिए साला, ट्रेन भर भर के। बोलो यस या नो? क्योंकि भारत देश है, या कुछ भी ले आओ, झाल बूढ़ी माल बूढ़ी कुछ भी, भेल पूरी साला सब बिकता है। तुम स्टेशन के बाहर कच्चा लेके बैठ जाना साला, वो भी बिक जाएंगे। इतनी पब्लिक है, इतने लोग हैं, और कमाल की बात है बेरोजगार घूम रहे हैं, विदेशी बेच रहे हैं। अभी तुम लोग तैयार हो जाओ बेचने के लिए, रेडी है? 2022 का आरंभ ही एकदम प्रचंड रहना चाहिए। कार्यक्रम मतलब दुक्का तिक्का थे नहीं साला, सीधा छक्का सिक्सर। और बड़ा काम करने के लिए मैं एक ही बात बता रहा हूं, ये फॉर्मूला लिख लो आप, PAR, पार लंदन पार, ठीक है? सबसे पहली चीज है एक बेहतरीन प्लानिंग। ऐसे नहीं है कि सीधे NH2 पर बैग डाल दिया, डर वहां तक एक गाजियाबाद तक चक्कर लगाया, वापस आ गए। प्लानिंग होनी चाहिए भाई साहब, क्या होनी चाहिए? कई लोग ना घर से बिना प्लानिंग के निकल पड़ते हैं, कहां जा रहे हैं मालूम ही नहीं। प्लानिंग पहले सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, कागज पे बनाओ।
महागुरु जी लोगों ने एक बात बोली थी, अगर तुम्हें यह नहीं मालूम अगले एक घंटे में क्या करना, तो एक घंटा बेकार गया। अगर तुम्हें यह नहीं पता अगले एक दिन में क्या करना, तो वो एक दिन बेकार गया। अगर तुम्हारे पास अगले एक महीने की प्लानिंग नहीं है, तो वो एक महीना बेकार गया। बिजी रहना अलग बात है, और कहां बिजी हो ये अलग बात है। दोनों चीजों में अंतर है। इंटेंशनली एक रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए बिजी रहना, प्रोडक्टिव बनाना अपने आप को, प्लानिंग के साथ में फील्ड में जाना है। कई लोग ऐसे टाइम पे फील्ड में जाते हैं बिना प्लानिंग के, दोपहर में जा रहा है। अब दोपहर में फील्ड करेगा तो कौन फ्री मिलेगा भाई तुझे? सब लोग अपनी ऑफिस में होते हैं, दुकान पे होते हैं, अपने काम धंधे पे होते हैं। दोपहर में ऐसा आदमी फ्री मिलेगा जिसके पास कोई काम ही नहीं है, ताश खेल रहा है आराम से। अब उसको प्लान दिखाओगे, क्या करेगा वो, क्या देगा तुम्हें? वो तुम्हारे कपड़े भी उतरवा लेगा, बोले भाई साहब कोट बहुत चमक रहा है, मुझे दे जाओ, दो बारात करके लौटा दूंगा। काम का आदमी मिलेगा या तो मॉर्निंग में या इवनिंग में। हेलो, समझ आ रहा है? शहर में काम कर रहे हैं तो प्लानिंग होनी चाहिए हमारे पास कि मैं किस प्रोफाइल में जा रहा हूं, मैं किसको बता रहा हूं। जो पौवा पीने से फुर्सत नहीं, वो नोनी की समझेगा? बोलो, उसको समझ में नहीं आ रहा। वो चुनाव की फॉर्म में है, बोले एक क्रेड रखी है घर, दूसरी तुम दे जाओ। तुम्हारी कंपनी क्या दे रही है ये बताओ, पौवा देती है? बोले ना, तो रहन दो, जाओ। बंदा तो देखो जिंदगी में कुछ करना चाह रहा है, उसे खुद से प्यार नहीं है, परिवार से क्या क्या खाक प्यार करेगा वो, बताओ। बोलो, सही प्लानिंग होनी चाहिए। टीम है लेकिन टीम बिना प्लानिंग के चल रही है, कोई रन में, कोई बन में, कोई सन में। आर्मी को हम लोग इतना ट्रस्ट करते हैं, क्यों करते हैं? पहल प्लान रहती हो, कोई भी एक्शन होता है विदाउट प्लानिंग नहीं होता। ऐसे एक मतलब सो रहा था और कुछ भी होता, बम मार दिया और एक उधर फेंक दिया, दम। ऐसा होता है क्या? पूरा प्लानिंग, हर एक चीज जवाब दे ही है साहब। इसीलिए हम लोग ट्रस्ट करते हैं। आपको बड़ा काम करना है लेकिन प्लानिंग बनाना, टारगेट जीतना है तो पूरा ब्लैक एंड व्हाइट में लिखना, काउंटडाउन शुरू करना। पहले मेरी कितनी पावर है, मैं पहले अपना लिखूं। शैलेंद्र सर का टारगेट करने का क्या तरीका रहता था? पहले बोला गुरु जी मेरे हिस्से की डीडी लिख दो कि मुझे कितनी भेजनी है। तो मैंने बोल दिया कि सर टाइगर साहब आपके हिस्से की डीडी है 40। बोले ठीक है, तो कार्यक्रम शुरू। 10 यूनिट से आ रही है, 10 पुरानी पोस्टिंग से आ रही है, और 10 मेरी गांव से आ रही है, 10 ससुराल से आ रही है। प्लानिंग शुरू, पहले अपना कमिटमेंट नोट डाउन करो, मुझे कितना करना है, और टीम के हर बंदे को लेकर के प्लानिंग बनाओ। स्टूडेंट के लिए स्टूडेंट वाली प्लानिंग होनी चाहिए, जॉब वाले के लिए जॉब वाली प्लानिंग होनी चाहिए, किसान है तो किसान वाले के लिए प्लानिंग होनी चाहिए। भगवान ने आपको टीम दी है लेकिन आपके पास उन लोगों को लेकर के प्लानिंग नहीं है, तो गलती आपकी है भाई साहब। हमने ऐसे ऐसे लोगों के संग काम किया, सर की टीम में एक बंदा था लाल सिंह, वो अगर सूसू करने जाए और साला लौट के आता भंग खा के आ गया, सच बता रहा हूं आपको। और ऐसे प्राणी के लिए भी हमारे पास प्लानिंग रहती थी, उसको भी भंग छोड़ा दी हमने। हमारे संग रहा, टाई लगाना सिखा दिया, दाढ़ी बनाना सिखा दिया उसको हमने। प्लानिंग, आपकी टीम में आया भाई साहब, आप चले जाओ पतंजलि में 15 दिन रहना, बाबा अपने जैसा ही बना देगा तुम्हें। बोलो, उसके पास प्लानिंग है। और लोग तुम्हारे साथ महीनों से घूम रहे हैं लेकिन तुम बदलाव नहीं कर पा रहे, इसका मतलब तुम्हारे पास प्लानिंग नहीं है उस बंदे को लेके। टिल डेट 9 मार्च रात 12:01 तक की तुम्हारे पास प्लानिंग होनी चाहिए, क्या करने वाला हूं। सुबह से लेकर के शाम तक टाइम स्लॉट के साथ प्लानिंग होनी चाहिए। यहां के टी ब्रेक में मुझे क्या करना था, इसकी भी मेरे पास प्लानिंग थी। बंदे को भरतपुर से बुलाया हुआ था, कब मिल सकता हूं। एग्जैक्टली टाइम पे आया, मिला और बात किया और निकल लो साहब।
प्लानिंग, यहां से निकलने के बाद मुझे कहां जाना है उसकी भी प्लानिंग है, सवेरे क्या करूंगा उसकी भी प्लानिंग है, आज की गुड मॉर्निंग में मेरे बेड पर कौन बैठा रहेगा उसकी भी प्लानिंग, ए टू जेड प्लानिंग। कहां कहां टीम है, हर जगह की टीम की प्लानिंग, टीम भगवान दे देता है। मेरी टीम बनी जोधपुर में, आपकी भी ऐसे बनती होगी, लेकिन मेरे पास प्लानिंग थी, सैलेंसर की पोस्टिंग जा रही थी उधमपुर, मेरे को पहुंचना था, सर मैं जा रहा हूं। उधमपुर में भी टीम बन गई तो मैं वहां भी आ रहा हूं, जलंधर में टीम बन गई वहां भी आ रहा हूं, बनारस में टीम बनेगी उधर भी आ रहा हूं, शिलोंग में टीम बन रही है वहां भी आ रहा हूं। हिंदुस्तान के आप किसी कोने की बात करो जहां अगर जसवीर का बंदा ज्वाइन हुआ, ऐसा हो नहीं सकता कि मैं वहां नहीं गया हूं। मैं गया एक बंदे का पता भी चले ना अगर वो मुझे बुलाए, और ऐसा हो नहीं सकता कि मैं वहां ना जाऊं। मेरे पास प्लानिंग है, वैल्यू है मेरी नजरों में उस व्यक्ति की। डायरेक्ट डायमंड नहीं होता कोई, एकदम से ऐसे सींग निकाल के नहीं आएगा एकदम से, लो 20,000 ड्यूटी। लोगों के साथ बैठना पड़ता है। सैलेंसर जिस रात मुझे मिले, सर यहां सामने बैठे, जिस दिन सर को प्लान हुआ, पूरी रात न सर सोए न मैं सोया। क्या कर रहे थे हम, क्या कर रहे थे हम, प्लानिंग कर रहे थे। रात के 3 बज गए, सवेरे 5 बजे महागुरु जी विजयपाल सर आ गए, तब तक अपन लोग चल रहा था हमारा कार्यक्रम। आज अगर फोन लग जाए तो 1 घंटे से पहले फोन कट नहीं सकता। क्या करते हैं हम, मैडम पूछते हैं तुम उन्हीं की मीटिंग करके आ रहे हो फिर उन्हीं से बात कर रहे हो, ऐसा क्या रह गया था, प्लानिंग रह गई थी, प्लानिंग। और जिस दिन तुम्हारी ये हैबिट में आ जाएगा, उस दिन काम साला काम रॉकेट की तरह काम चलेगा, रॉकेट की तरह। लोग सबके पास हैं, अरे हम कुछ नहीं थे भाई साहब, हम कुछ नहीं थे, हम सिर्फ प्लानिंग का पार्ट है। हमारे को लेके किसी ने प्लानिंग बना ली और हमने किसी को लेके बना ली। आप बना लोगे? बच्चों का भविष्य भी बनता है प्लानिंग से, जिंदगी चलती है प्लानिंग से। कुछ लोगों को कुछ नहीं मालूम 2032 में क्या होने वाला है, प्लानिंग बनाओ, ये हमारा अधिकार है। भगवान ने समय दिया है, उसको रो के निकालना है, हंस के निकालना है, ये हमें सोचना है। कोई नहीं आएगा, न मोदी न योगी न अखिलेश, कोई नहीं, ये आपका काम है। तैयार है? प्लानिंग भी कई लोग बना लेते हैं, दूसरा काम है एक्शन। अब वो डायरी में गोवा आबू धाबी थाईलैंड और लंदन, वो डायरी में घूम के आ जाता सब जगह। एक्शन भी लेना पड़ेगा मेरे भाई, घर से निकलना पड़ेगा, घर के बाहर बहुत कुछ है, मान है सम्मान है इज्जत है सब कुछ है। इधर पूछ रहे हैं ठंडा पानी गर्म पानी, घर में क्या है, ले ले अपने आप है? इधर पूछ रहे हैं टीम से यस या नो, उधर नहीं पूछ सकते, हेलो, उधर कोई हेलो का जवाब नहीं देने वाला। इधर माला मूला गुलाब फुलाब मिल रहे रे, अपन इसीलिए एक्शन में रहते हैं। जहां ज्यादा इज्जत नहीं वहां ज्यादा रहना नहीं, इज्जत इधर टीम में, इधर गुरुजी गुरुजी हो रही है तो इधर ही रहो, कहां रहना चाहिए मेरे से पूछो। 365 दिन में से 360 दिन में टीम के साथ रहना चाहता हूं, ये दबाव नहीं है, ये मेरा प्यार है, मुझे लगाव है, इधर मजा आता है यार, इधर मजा आता है। हेलो, एक्शन एक्शन, वो बताऊंगा मैं डिटेल में क्या क्या है। निकल भी जाते हैं लेकिन वापस कब आ गए ये पता ही नहीं है, तो रिपोर्टिंग भी जरूरी है। किसी एक व्यक्ति के प्रति आपकी जवाबदेही होनी चाहिए। अगर इंसान अपने मोटिवेशन से ही सब कुछ कर लेता तो स्कूलों की जरूरत नहीं पड़ती, बुक स्टोर पर किताब मिल जाती, घर बैठ के पढ़ लेता और डिग्री मिल जाती।
अगर अपने मोटिवेशन से सब कुछ हो जाता तो अखाड़े और जिम की जरूरत नहीं पड़ती। कोच चाहिए, गुरु, कोच, और उसके प्रति होनी चाहिए लॉयल्टी, ईमानदारी। गुरु का आदेश बोले तो भगवान का आदेश, और ये समर्पण अपने अंदर है कि उसका सीसीटीवी मुझे देख रहा है। एक लव्य की तरह होना चाहिए। ये मूर्ति नहीं है, ये मूर्ति नहीं है, ये साक्षात है और ये मुझे देख रहे। और इस एहसास ने एक लव्य को अर्जुन से भी बड़ा धनुधारी बना दिया। और यहां साक्षात घूम रहा है, संग खड़ा है, हेलो। फिर भी मक्कारी हो जाती है, फिर भी चोरी चकारी हो जाती है, फिर भी निकम्मापन आ जाता है। ईमानदारी होनी चाहिए, रिपोर्टिंग। मेरी बीबी को नहीं मालूम कि मैं अभी कहां हूं, लेकिन मेरे प्लान को जरूर मालूम है मैं अभी कहां हूं। उसको यह मालूम है मीटिंग करने गया, कहां कर रहा है मालूम नहीं। हेलो, गुरु को मालूम है सब कुछ। और जिंदगी में एक व्यक्ति के प्रति जवाबदेही मेंटेन कर लो ना, सर मैं गलत करूं तो मुझे टोकना, एक को अधिकार दे दो आप, और मेरी बुरा मानने की मशीन खराब है, तो रिजल्ट मालूम है क्या आएगा? रिजल्ट ये आएगा जो आप सामने देख रहे हैं, ये रिजल्ट आएगा। ये बिल्कुल इन्होंने सेम हनुमान की तरह काम किया है, इसी का वजह है कि आज ये लोग आज इस पोजीशन पे हैं, ड्रीम लाइफ जी रहे हैं। तो रिपोर्टिंग मेंटेन कर सकते हैं, ये फॉर्मूला है। कम किए कहे को ज्यादा समझिए, प्लानिंग, एक्शन और रिपोर्टिंग करेंगे सभी लोग। कुछ लोगों का कहना है कि मेरा काम कब चलेगा? आपका काम चलेगा जब जब आप चार तरह के निर्णय लेंगे। कौन कौन से चार निर्णय हैं जानना चाहते हैं? पहला, मेंटल डिसीजन, अपने दिमाग में आने वाली हर नकारात्मक बात का तुरंत इलाज करें। पेट में कोई गड़बड़ हो जाए तुरंत गोली खाते, शरीर में कोई दिक्कत हो जाए तुरंत हम उसका इलाज कराते। तो दिमाग में अगर कोई गड़बड़ चल रही है तो उसका भी इलाज जरूरी है कि नहीं, और तुरंत ढूंढो। नहीं समय पे इलाज किया तो बहुत जल्दी वो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा नुकसान करा सकती है। हर रोज कम से कम 30 मिनट किताब पढ़नी है, और हर रोज अपने मेंटर से बात करनी है। ये मेंटल डिसीजन आज आपको लेना होगा। कितने लोग लेने के लिए तैयार हैं? फिजिकल हेल्थ का पूरा ख्याल रखते हैं हम लोग, पूरा अच्छे से खाएंगे, पनीर वनीर, डोसा, इडली, चाय, ये और पूरा साबुन, शैम्पू, फुसफुस, लिपस्टिक पाउडर, सब पूरा सेट है कार्यक्रम। अरे मेंटल हेल्थ का कौन ख्याल रखेगा बाबा जी, बोलो। इसमें अगर थोड़ा 19-20 भी है तो चलेगा। दिमाग खराब हुआ ना तो बड़े बड़े हीरो और हीरोइन भी आत्महत्या कर लेते हैं भाई साहब। टिप टॉप रहने से नहीं, दिमाग को सेट रखने से बात बनेगी। घर में सोफा सेट है, टीवी सेट है, पलंग सेट है, लेकिन दिमाग सेट नहीं तो साला कुछ भी सेट नहीं रहेगा फिर तेरा। दिमाग सेट रहना चाहिए। 17 साल हो गई मेरे को इस बिजनेस में, और आज तक की सबसे बड़ी अगर कोई चीज है तो मेरे दिमाग खराब नहीं हुआ कभी। अगर दिमाग खराब हो जाता है उठपटांग कोई ना कोई डिसीजन ले लेता, आज तक का रिकॉर्ड है। और दिमाग सेट क्यों है? क्योंकि मैं लगातार अपने से ज्यादा बुद्धिजीवी लोगों के बीच में उठता बैठता हूं, उनसे सीखता हूं। जसवीर दारू नहीं पीना, सिगरेट नहीं पीना, ये मेरी आज असेट है। आज मेरी इतनी बड़ी टीम है, लाखों की टीम है आज यहां पे बैठे। मेरी टीम में अगर कोई भी लड़की है, लड़की नहीं है, वो मेरी बहन है। इसके अलावा और कोई दूसरी चीज नहीं है मेरे दिमाग में, कोई दूसरी चीज ही नहीं है। और इतिहास है इस बात का कि मैं खुले मंच से बोल सकता हूं, 70 साल में कोई बता नहीं सकता कि मुझे कोई सर ने कोई मैसेज किया या इस तरीके का मैसेज पे कुछ लिखा या कुछ किया करके। क्या सर को हमने वहां कॉफी शॉप में या वहां आते जाते, मेरी गाड़ी में भी आज तक किसी ने बैठे हुए देखा नहीं होगा। दिमाग सेट है साला, दिमाग। जब दिमाग खराब हो जाता है तो आदमी कुछ भी करने लगता है, ऊटपटांग काम। इसको सेट रखना पहला, रख सकते हैं। दूसरा डिसीजन लेना आपको, फिजिकल। जितनी जल्दी हो सके अपमान वाली जगह को छोड़ दो। घर उधर क्या है, सब खर्चे वाले आइटम है, जेब खाली करने के चक्कर में रहते हैं, ज्यादा कोसते रहते हैं। इधर हो रहा है ग्रेट गुरुजी, इंडिया के टॉप, वहां क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं, ठीक है, होंगे तुम गुरुजी वहां के लिए, यहां गुरुजी नहीं हो, यहां पति हो, चलो झोला उठाओ सब्जी लाओ।
साला वो इज्जत नहीं, तो इसलिए वहां से बाहर रहो। रोजाना कम से कम 5 प्लान का कमिटमेंट होना चाहिए फिजिकली। कामयाबी की डोज 5 प्लान रोज। कितने लोग कमिटमेंट ले रहे? सारे लोग। टीम के बीच में रहो, जितना ज्यादा हो सके टीम के बीच में रहो। उधर सब कुछ है, चेक वहां, रिकॉग्निशन वहां, रोकड़ा वहां, इज्जत वहां, सब कुछ वहीं है, काजू वहां। बोलो कहां रहना चाहिए? कितने लोग बोलते हैं फिजिकल डिसीजन ले लेंगे आज से, घर से जल्दी निकलेंगे और देर से देर तक बाहर रहेंगे, पक्का। और तीसरा है इमोशनल डिसीजन। हर छोटी छोटी बातों को दिल पर लगा लेते हैं, हटा 2 मिनट में पे पे पता नहीं रोने का भी। अरे यार इंसान हो, थोड़ा सा मजबूत होना चाहिए बंदे को। हर एक छोटी बात पर नेगेटिव रिएक्शन देना, हर एक बात को लेकर के टेंटे करना, थोड़ा मजबूत रिएक्शन होना चाहिए हमारा। अगर तुम्हें कल को देश का प्रधानमंत्री बना दिया तुम क्या करोगे रे? छोटी छोटी बातों को लेकर ना तुम खाना खा पाओगे, तुम्हारा लोग पुतला भी जलाएंगे। पंजाब में मोदी जी को चप्पलों से मार रहे हैं, उसमें फोटो पे और वीडियो बना के भेज भी रहे हैं ट्विटर पे, टैग करके ले देख लियो, और कुछ नहीं कर पा रहे हो। बोलो इमोशनली फिट हैं? तुम करते रहो अपना कार्यक्रम, मैं इधर पनीर खा रहा हूं। हेलो। हर छोटी बात को दिल पर ना लो। किसी ने कुछ बोल दिया, दरवाजा नहीं खोला, फोन नहीं उठाया, है इतना बड़ा आदमी हो गया, आज इस कंपनी के चक्कर में मेरे से बात नहीं कर रहा, और इसी बात पे लो कंपनी छोड़ रहा हूं। अरे तू क्या बनेगा रे नेता, है इतनी सी बात पे? 2 मिनट वेट करवा लिया, गेट नहीं खोला, इसी बात पे कंपनी छोड़ रहा हूं। थोड़ा मजबूत बनाओ अपने आप को, इमोशनली फिट रहना है अपने को। यस, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट का फॉर्मूला याद रखना है। आज ये दरवाजा नहीं खुला, आने वाले टाइम में साला इसी दरवाजे पे माला टंगी मिलेगी मेरे लिए, माला। यस, एक चीज ध्यान रखनी है, खुशी हो या गम 24 घंटे से ज्यादा नहीं। इमोशनली इतने मजबूत हो, ये नहीं कि एक चेक बन गया 9000 का, ये आई एम अ डिस्को डांसर, कोई नहीं साला, और 9000 का चेक सेलिब्रेट कर रहा है, फिर 2 महीने बाद पूरे चेक जीरो। इतनी खुशी भी मत मनाओ। गम, कई बार इतने गम में डूब जाते हैं, मुझे शुरू के 3.5-4 साल तक कोई चेक नहीं मिला, फिर भी मैं भागा नहीं। हेलो, न किसी के आने की इतनी खुशी कि रोड पे निकल गए, न किसी के जाने का इतना गम कि बियर बार में बैठे। हेलो, 24 घंटे बस इमोशनली मजबूत रह सकते हैं। और चौथा स्पिरिचुअल, जब कोई आपके साथ नहीं आ रहा हो तो ईश्वर आपके साथ है, ऐसा भरोसा करके आगे बढ़ते रहें। जब ईश्वर मेरे साथ हो तो कौन मेरे खिलाफ हो? इस दुनिया को, इस सृष्टि को, इस पूरे ब्रह्मांड को ऑपरेट करने वाली एक महाशक्ति है जो कहीं ना कहीं हमें लगातार अपना आशीर्वाद भर रही है, हमें दे रही है, और वो आपके साथ में भी है। आप इस बात का यकीन करके हमेशा आगे बढ़ते रहें। और काम का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। लोग तरह तरह की बातें कर सकते हैं, तरह तरह के ऑफर दे सकते हैं, लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा। एक बंदा जो है सीधा साधा बंदा, पहली बार दिल्ली गया चांदनी चौक पे, उसने वहां पे देखा कि वहां बोर्ड लगा है, खाना आप खाओ बिल आपका पोता देगा। रेस्टोरेंट में घुस गया बीबी के साथ, बच्चे भी संग थे, बोला खा लो आज मीटर तान के। उन्होंने मीटर तान के खाया पूरा एकदम, चल दिए पेट पे हाथ फेरा के। तब तक वेटर आया, उसने बिल दे दिया। बोला बिल किस बात का, पागल हो गया है? बाहर बोर्ड पे क्या लिखा है? खाना आप खाओ बिल आपका पोता देगा। मुझे मत दे, पोते को देना। तो पता है वेटर ने क्या बोला? बोले साहब ये बिल आपका नहीं है, आपके दादाजी आए थे यहां खाना खा के गए थे, उसका बिल है। इसका मतलब क्या? दुनिया हमसे वसूल कर लेगी अपना जो भी है, इसलिए काम करने के लिए तैयार हो जाओ, मेहनत करने के लिए तैयार हो जाओ। कार्य का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ऐसा कोई जादू नहीं होने वाला, ऐसे मोदी साहब कभी 16 लाख डालेंगे नहीं, अब तुम नींद में से बाहर आ जाओ। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? आपको अपनी जिंदगी बदलनी है, अपने आप अपने कंधों पर भरोसा करना पड़ेगा। और आज जो आपने प्रार्थना करी थी उसके हिसाब से अपॉर्चुनिटी मिल गई है,
इसी कंपनी में रह करके अगर सैलेन जी को बीएमडब्ल्यू मिल सकती है, उमेश जी को जगवार मिल सकती है, मुझे बीएमडब्ल्यू मिल सकती है, महागुरु जी को ऑडी मिल सकती है, तो आपके लिए क्या कोई नई खुलवानी है क्या? अरे ये फिट है कि नहीं? ऐसे ऐसे लोग जो जूस बेचते थे, दूध बेचते थे, अरे काम वाली बाई तक डायमंड बन गई यार तुम। बोलो किस किस को लग रहा है अभी मीटर में ही तानूंगा? तैयार है? तो बस फाइनली काम क्या है हमारे यहां पे, मैं एक ही चीज बताऊंगा कि यहां पे काम है एफआईएम करना, जो नए नए लोग जुड़ेंगे उनको लगातार प्लानिंग देना, 8 स्टेप ट्रेनिंग, क्यूएसी सक्सेस प्रूफ सेमिनार और दिशा। इसमें कोई बम बम गिरने का खतरा है क्या? गोली फोली लगने का, डंडा फंडा लगने का? अरे सिंपल सिंपल काम है यार, है? कर सकते हैं। तो हर बड़े काम की लिस्ट से शुरुआत होती है, आपको भी बढ़िया दमदार लिस्ट तैयार करनी है। जैसे शादी समारोह के लिए लिस्ट बनाते हैं, ऐसे इसकी लिस्ट बना लो, मोबाइल में से निकाल निकाल के नाम लिख लो पेपर पे, किस किस को जानते हो आप, योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, सनी लियोनी, जो भी नाम आपको पता है लिख लो, और लिस्ट से बड़ा काम होगा। ठीक है, ये शुभारंभ में पढ़ लेना तुम लोग। अभी मैं एक ही बात बताऊंगा आप लोगों को, काम दमदार करके दिखाना है। ये सुन लो, ये साउथ का एक्टर क्या कह रहा है। साथ दौड़ो, पढ़ना है तो जुनून के साथ पढ़ो, गाना है तो जुनून के साथ गाओ। बिना मंजिल के जीने वाले की जिंदगी मुर्दों से भी बदतर है, उसके जीने मरने से दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रख लो, खुद से बढ़कर यहां कोई तो रमखान नहीं। जो अच्छा लगे वो करो, किसी की बात मत सुनो, इंसानियत की बात तो बिल्कुल नहीं। अगर तुम्हारा टारगेट है 10th mile तो एम फॉर द 11th mile। ऐसा हाथ मारो कि दिमाग घूम जाए। चल यस, रेडी हो? काम साला करना है तो जुनून से करना है, जुनून से। जिंदगी अगर 4 दिन की भी मिली है ना, 4 दिन भी ऐसे जियो कि लोग याद करें। बोलो हाँ कि ना? और मैं एक ही बात बता करके अपनी बात को क्लोज करूंगा दोस्तों। ये बिजनेस जो है तांस की गड्डी की तरह है, तांस में जैसे 52 तांस होते हैं, उसमें 41 ही होते हैं। बोलो हाँ कि ना? तो हर तांस जैसे 41 नहीं होता, वैसे हर प्रोस्पेक्ट ऐसे डायमंड नहीं होता। कुछ उसमें बादशाह भी रहते हैं, कुछ बेगम भी रहती हैं, कुछ नल्ला दल्ला भी रहते हैं। लेकिन आपको एक चीज समझनी है, 52 तासों में 4 इक्के मिल जाते हैं। बोलो हाँ कि ना? बस इस बात को, इस संकल्प को हमेशा याद रखना है कि मैं 52 तास पलटूंगा, मुझे 4 इक्के मिल ही जाएंगे। और जिन्होंने 52 प्लान दिखाए उन्हें 4 इक्के मिल गए होंगे। 4 से काम नहीं चल रहा, और 52 एक और नई गड्डी खोल लो, उससे काम नहीं चल रहा, फिर और एक और 52 एक और नई गड्डी खोल लो। गड्डियों की कोई कमी नहीं है, 150 करोड़ की आबादी वाले देश में रहते हो, लोगों की कोई कमी नहीं है। एक चुन्नू मुन्नू को और हरिराम दुखीराम को देख करके रुक मत जाना, बस संकल्प एक ही रखना, हर हाल में हर काल में एक बार मुझे डायमंड जरूर बन के दिखाना है। बन के दिखाएंगे? कौन कौन है ये जो कसम खा रहा है? हर हाल में डायमंड, हर हाल में। तो खड़े हो जाओ अपनी जगह से और मुट्ठी बंद करो, मेरे साथ मिलके बोलो, फिर सारे लोग मिलके बोलेंगे, I am diamond, thank you very much, wish you all the best and go diamond।